नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गब्बर सिंह रावत। कौन है पेशेंट आपके? फादर इन लॉ सर। आपके ब्रदर इन लॉ आए? हाँ जी सर। आपके फादर हैं? हाँ जी सर। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी सर? उस समय स्टार्टिंग में अप्रैल में हम आए थे, मई में आए थे, तो अप्रैल से इनको ये प्रॉब्लम हमें लगनी शुरू हो गई थी। मतलब कि थोड़ा सा वीकनेस काफ़ी थी और उल्टी आ रही थी, और तो हमने इनका मेरठ किडनी हॉस्पिटल में इनका हमने ट्रीटमेंट वहाँ से स्टार्टिंग किया था जब इनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। तो फिर अप्रैल में ये प्रॉब्लम इनको शुरू हो गई, तो एक महीने में हमने इनको आपका व्हाट्सएप के यूट्यूब के थ्रू हमने आपका कर्मा आयुर्वेद के बारे में जाना, तो हमने आपसे यहाँ पे मई में कॉन्टेक्ट किया था, और आपने हमें 3 मंथ के लिए जो दवाई दी थी वो हमने रेगुलर जो आपने प्रिस्क्रिप्शन बताए थे वो हमने कंटिन्यू फॉलो किए, और काफ़ी हमें मतलब इसका इम्प्रूवमेंट नजर आया इसमें। क्या काफ़ी डायलिसिस चल रहा था पहले इनका? तो हाँ जी सर, डायलिसिस स्टार्टिंग से हमने जून तक करवाया था इनका, अप्रैल से जून तक करवाया था। अप्रैल में आप मई में आए थे आप यहाँ पे, आपने अप्रैल से डायलिसिस जब आए थे उस समय डायलिसिस इनका चल रहा? यस सर। ठीक है, और जब आपका यहाँ से आए हैं तो अभी कितना समय हो चुका डायलिसिस आपको बंद है? अभी सर 2.5 मंथ। 2.5 मंथ, बहुत अच्छी बात है। क्रिएटिनिन कितना था जब डायलिसिस चल रहा था इनका? क्रिएटिनिन सर स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा था, 12 पॉइंट समथिंग था। 12.93 था इनका जी जब डायलिसिस करा रहे थे उस समय जी। अभी कितना आया क्रिएटिनिन इनका? अभी 4 पॉइंट समथिंग है सर, विदाउट डायलिसिस आया। यस सर। और पहले डायलिसिस चल रहा था? यस सर। बताएं, जरा खुल के बताएं कि अभी फिजिकल लेवल पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेडिकल साइंस के लिए और एलोपैथी में ये बहुत बड़ा एक मिरेकल है अगर इस तरह का रिजल्ट है, बताएं आपकी, ताकि सभी को पता चले, और खुल के बताएं। आपके फादर हैं, आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए इसमें। पहले से तो बहुत ज्यादा तबीयत ठीक है उनकी, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, पहले तो बैठे रहते थे, अब घूम रहे हैं, मतलब ठीक ठाक है, खाना वाना सब ठीक से कर रहे हैं। डायलिसिस नहीं कराया? डायलिसिस नहीं कराया। बहुत अच्छी चीज है। और डायलिसिस तो पहले तो उनका 2-3 महीने तक डायलिसिस चला है, वो तो काफी कष्टदायी सिचुएशन हो गई होगी उस समय। क्या बताया था डॉक्टर्स ने वहाँ पे? डॉक्टर ने सर बताया था कि भाई इनका डायलिसिस आपको करवाना पड़ेगा आज कंटिन्यू। अच्छा। तो फिर हमने आपके माध्यम से उनको यहाँ पे, मैंने खुद व्हाट्सएप के थ्रू आपका कर्मा के बारे में ये देखा कि भाई आपका किडनी डिजीज का जो है वो मतलब बेस्ट इंडिया में यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है कर्मा आयुर्वेद में, तो इसलिए सर मैंने उनको प्रिस्क्राइब किया था। अच्छा। मैं खुद देख के आया उनको, और क्या होता है ना, कोई बताता है तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि सही जगह जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं जी, थोड़ा सा एक अंदर से रहता है कि अच्छे से ठीक हो जाए। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उनको, आपको भी संतुष्टि हुई होगी, सेटिस्फेक्शन हुई कि आपने उनको सही राह दिखाई जी। और मैं कहना चाहूँगा सर आपका पेशेंट के लिए बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, और सभी मतलब मैं कहना सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई जिनको ये डिजीज है वो यहाँ पे आए और अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करवा दें। डायलिसिस चल रहा था, 3 महीने डायलिसिस चला, और मात्र 1 महीने की दवाई के बाद डायलिसिस की जरूरत इनको नहीं पड़ी। सही कह रहा हूँ? हाँ जी। 12 वाज द ट्रीटमेंट लेवल व्हेन द पेशेंट फर्स्ट विजिटेड अस, दैट वाज ऑन 17th of April 2019। आर यू कैरिंग दोस रिपोर्ट्स? यस। रिपोर्ट्स लाए हैं आप, वो वाली 12 वाली? अच्छा, अभी है, निकालिए। 12 क्रेटिनिन था उस समय, और आज बगैर डायलिसिस के, तब डायलिसिस चल रहा था और आज बगैर डायलिसिस के, बगैर आर्टिफिशियल उसको कराए हुए प्योरिफिकेशन, अभी जो इनका क्रेटिनिन आया है 2 सितंबर 2019 में 4.46 आया है, और जब डायलिसिस चल रहा था तब क्रेटिनिन 12 था, अब बगैर डायलिसिस के 4.4 आया। लाल बैद लब से इन्होंने मेरठ से ये रिपोर्ट कराई है। GS रावत, गब्बर सिंह रावत पेशेंट का नाम है। यूरिया भी काफ़ी कम हुआ है, 119 के आसपास आया है यूरिया। और ये पुरानी रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर क्रिएटिनिन इनका 12.9 था और उस समय डायलिसिस भी इनका चल रहा था। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर, ये 12.4 है, ये रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 12.4 इज द क्रिएटिनिन लेवल, और यूरिया जो है वो 164 के आसपास है इस रिपोर्ट में। इस समय डायलिसिस भी इनका हो रहा था, डायलिसिस के बाद भी क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा था और 12 के आसपास रह रहा था, और अब जो है बगैर डायलिसिस के 2.5 महीने के क्रिएटिनिन जो है वो 4.46 आ चुका है। काफ़ी अच्छा रिड्यूस हुआ है, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट इनको नजर आई। ना केवल क्रिएटिनिन कम हुआ बल्कि डायलिसिस भी बंद हुआ, दोनों चीज़ें हुई हैं और दोनों चीज़ों में इनको रिलीफ मिला है, बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स विजिबल हुए। तो ये हैं GS रावत जी,
एक बड़ा प्रश्न, बड़ा क्वेश्चन ये है, जब जी एस रावत जी को इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो उन सभी पेशेंट्स को आ सकती है जो किडनी के पेशेंट्स हैं, अगर वो भी उसी प्रकार से अपने अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लें कि हमने जो है ठीक होना है, और जैसे जैसे यहाँ से प्रिस्क्राइब किया जाएगा आपको उसी प्रकार उसी अनुशासन से उन्हीं चीज़ों का पालन करना है जैसे जैसे बताया, तो आपका भी डायलिसिस बंद होगा और आपका भी क्रिएटिनिन कम होगा। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की और नीचे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करने की। कर्मा आयुर्वेदा यह प्रूव कर चुका है कि किडनी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, डायलिसिस को बंद किया जा सकता है, और उसी एक एपिसोड में एक और कड़ी जुड़ चुकी है जीएस रावत जी।